नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे जीनस एपिडर्मिकस की। ठीक है, तो जनरली होता क्या है कि अगर कहीं पे एपिडर्मिक डिजीज़ फैली हुई है तो वहाँ पे क्या होता है, ग्रुप की टोटैलिटी ली जाती है और ग्रुप टोटैलिटी की बेसिस पे जो मेडिसिन निकल के आती है सारे सिम्टमों को कवर करते हुए, और वो क्यूरेटिव भी होती है, प्रिवेंटिव मेडिसिन भी होती है, उसको हम बोलते हैं जीनस एपिडर्मिकस। चलिए शुरू करते हैं। तो जीनस एपिडर्मिकस क्या है, वही कि सेलेक्टेड होम्योपैथिकली, ठीक है, कुछ एरियाज़ में डिजीज़ हैं, कुछ सेवरल पीपल्स को मतलब देखा गया, कुछ लोगों को देखा गया, उनके सिम्टम को लिया गया, ठीक है, क्योंकि उसकी कॉज सेम जो है, कॉज सेम है, ठीक है। जैसे डेंगू फीवर है, एक अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में है तो डेंगू फीवर है, उसमें मान लीजिए कि 100-200 लोग अफेक्टेड हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि सबके सिम्टम को लिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होती है, क्यूरेटिव के साथ साथ प्रिवेंटिव मेडिसिन भी होती है, जिनको होगी उनको क्योर भी करेगी, जिनको नहीं है उनको बचाएगी भी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं जीनस एपिडर्मिकस। वही कैसे सेलेक्ट कैसे करेंगे, तो सेवरल इंडिविजुअल को एग्जामिन किया जाएगा, उसके बाद जो है सारी टोटैलिटी जो आ रही होगी, ग्रुप टोटैलिटी, ग्रुप ऑफ पीपल में से उसको लिया जाएगा। अब जो केयरफुल ऑब्जर्वर है, जो फिजिशियन होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, तो वो क्या होता है, एक दो केस को देखेगा, उसमें देख लेगा कि इसमें कौन सी मेडिसिन निकल के आ रही है, ठीक है ना। तो वहाँ से वो जो है उस पर्टिकुलर एपिडेमिक डिजीज़ का क्या नेचर है ये निकाल लेगा। अब जो मेडिसिन निकल के आएगी वो क्या होगी, जीनस एपिडेमिकस। ये बात की गई है एफरिज्म नंबर 102 में, जैसे हनी मैंसर ने बेलाडोना को यूज़ किया था 1801 में स्कारलेट फीवर में, ठीक है, जीनस एपिडर्मिकस। उसके बाद परप्यूरा मिलेरिस के लिए उन्होंने एकोनाइट को यूज़ किया था, ठीक है। तो ये उस पर्टिकुलर एपिडेमिक के लिए जीनस एपिडर्मिकस थी। उसके बाद उन्होंने आगे कहा कि जो भी एपिडेमिक स्प्रेड डिजीज़ आ रही है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। ऐसा नहीं है कि पहले डेंगू फीवर आया हमने उसको यूपेटोरियम दे दिया तो अभी जो आएगा उसमें भी यूपेटोरियम ही जाएगी, ऐसा नहीं है। हर बार जो क्या होगा उसको हम एक न्यू केस की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। और जीनस एपिडर्मिकस के लिए उन्होंने जो फिक्स्ड माइज़मेटिक डिजीज जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, मिजल्स हो गया, इनको उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया था। क्यों? क्योंकि इनका कॉन्टेजियस प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है, अनचेंज होता है, मतलब चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। अब यहाँ पे है कि जीनस एपिडर्मिकस हमें सेलेक्ट करने के लिए एक ग्रुप, एक रे डायग्राम बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्टिंग ए रेमेडी इन एपिडेमिक डिजीजेस, क्या करेंगे, ग्रुप की टोटैलिटी लेंगे कुछ पेशेंट्स पे, ठीक है। उसके बाद जो ग्रुप टोटैलिटी आएगी अपने पास उसमें क्या होगा, जनरल सिम्टम को रिमूव कर दिया जाएगा, जो अनकॉमन सिम्टम मिलेंगे, ठीक है ना, उनको ही सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। जैसे मैं डेंगू का एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लीजिए उसको फीवर है, तो फीवर तो जनरल चीज़ हो गई, ठीक है। फीवर के साथ क्या है, प्यास बहुत लग रही है या प्यास नहीं लग रही है या जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो ये सब क्या है, ये अनकॉमन सिम्टम है, ठीक है ना, तो उसको लिया जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जीनस एपिडेमिकस जो निकल के आएगी वो क्यूरेटिव भी होगी और वो प्रिवेंटिव भी होगी उस पर्टिकुलर एपिडेमिक के लिए, ठीक है। अब हम जीनस एपिडर्मिकस का क्या यूज़ होता है, तो पहला तो हो गया कि जो ट्रीटमेंट है उसको उसमें यूज़ करेंगे, जो केस होगा उसके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाएगा, और दूसरा कहाँ होगा, प्रिवेंटिव पर्पज़ से यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।